ये देखो बैग पूरा असला बारूद भर के लाना पड़ता है। कोच तो आपको पैसे में बहुत मिल जाएंगे, आप हायर कर सकते हो 5,000-10,000 रुपए। कुछ नहीं मिले तो आप ग्लूकोज पी सकते हैं, एक और खतरनाक चीज। एंड एक भाई का कमेंट आया था, ये देखो मेरा हाथ देखो, ये रुक नहीं रहा। तो सबसे पहले अपने अंदर जज्बा जगाओ, लेट कर स्क्रॉल करने से, देखने से और कमेंट शमेंट मारने से बॉडी नहीं बनती है। हाथ कांप रहे हैं, सब कुछ है लेकिन, और आपने देखी गोलियों की शुरुआत क्या, ये स्वेटिंग के निशान है पसीने के। किसी कोच पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, ज्ञान पेलू श्लोक खत्म कर दे, किसी की भी सलाह से कुछ मत लो। सो ये गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, और जिम में आ गया हूँ, और आज मैं आया हूँ जल्दी क्योंकि आज मॉर्निंग वाइब्स बड़े प्यारे वाले लग रहे हैं, और टी शर्ट का कलर जैसे येलो है तो वैसे ही फील मुझे बड़ा चार्मिंग सा महसूस हो रहा है। और वर्कआउट करते हैं, आज वर्कआउट है मेरा शोल्डर का, वेरी इफेक्टिव वर्कआउट करेंगे। और आज मैं पकड़ूंगा विपिन भाई को, विपिन भाई जिम में मिल गए हैं क्योंकि मैं आता हूँ लेट, वो निकल जाते हैं, तो उनकी गाइडेंस में जो ट्रेनिंग का मजा है वो कहीं है ही नहीं। जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई, कोटि कोटि नमन गुरुदेव को, ऐसे नीचे आ झुक के आदर पूरा भाई, इनके चरण स्पर्श करने में जो मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई शोल्डर का वर्कआउट करना है और वर्कआउट कराओ। वार्म अप अपना प्रोटोकॉल हो, वर्कआउट वार्म अप पूरा से करते हैं स्टार्ट, सर्किट ट्रेनिंग में जी दो दो ग्राइंड करके मिक्स करके मारेंगे एक्सरसाइज जी। टोटल 6 ठीक है, वेट अभी मैं भाई 1-1.5 किलो वेट घटा है अभी, जैसे ट्रांसफॉर्म करते करते अभी तो 5 to 6 days आया, लेकिन 1-1.5 किलो वजन टूटा है तो उसको काउंट करेंगे नहीं। 1-1.5 किलो एक स्टेट से कुछ नहीं था, लेकिन तगड़ो के मारो ये माइंड में मत रखना कि मेरा वेट टूट रहा है तो पावर कम होगी, नहीं हमें पावर वही रखनी है, वेट तोड़ना बोलिए, मसल मास बचा के चलना है। ये जो ज्ञान है ना, ये गुरु ज्ञान, ये आपको कोच से नहीं मिलेगा। तो आप कहीं पे ना गुरु बनाओ, बड़े भाई बनाओ, ये कोच तो आपको पैसे में बहुत मिल जाएंगे, आप हायर कर सकते हो 5,000-10,000 रुपए में, लेकिन ऐसे बड़े भाई बनाओ जो आपको एक्चुअली तन मन धन तीनों से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ही इज वेरी सपोर्टिव, मेरे लिए नहीं सभी के लिए। तो मिलते हैं, तगड़ों के वर्कआउट करो, प्री वर्कआउट लेते हैं। और एक्सरसाइज से पहले अगर आप कहीं पे देखिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, बैग पूरा असला बारूद भर के लाना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिम में, कोई भी आप छोटे से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि सप्लीमेंट में करूँ, तो प्री वर्कआउट आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। आपके एक्सरसाइज में आपको जो सपोर्ट मिलती है, कोई भी प्री वर्कआउट, लेकिन प्री वर्कआउट में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहता है। और हम उसके भगत हैं जो वर्ल्ड का सबसे पहला बॉडी बिल्डर है। तो राम भक्त हनुमान की जय। और प्री वर्कआउट लेते हैं भाई विदाउट टाइम वेस्ट। और ये एक स्कूप, डेढ़, सवा स्कूप, मतलब एक से असर होता नहीं है, एक्चुअल हो गएंगे, लेकिन किसी भी चीज़ की आदत पड़े वो चीज़ डाल देनी चाहिए। और वो कुछ ये देखो जहर, अब आएगा मजा, अब हो गए वॉर के लिए रेडी। तो 4 वर्कआउट लेंगे, 8 हो जाएंगे अल्टरनेट पे ना, एक जैसे फ्रंट ले ली, फ्रंट के साथ एक और मिक्स करके, कैसे करूँ बताओ? फ्रंट के साथ ले, फ्रंट ऐसे ली, सेकंड बिहाइंड नेक, साइड रेज, थर्ड अपराइट और शग्स, साइड रेज नहीं ले, हाँ अपराइट प्लस साइड्स, सॉरी शग्स, ठीक है शग्स के साथ ये हो गया जी भाई। दो और ना भाई, 8 हो जाएंगे। फेस पुल, बेंड साइड, बेंड फेस पुल और बेंड साइड, ठीक है। एक्सरसाइज देखो ऐसे मिलती है, तो फर्स्ट सेट, फर्स्ट वर्कआउट और वार्म अप सेट है ये, मैं इसे काउंट नहीं करता हूं कभी भी। दस, फर्स्ट वर्कआउट के साथ में फ्रंट प्रेस विद हैमर, और इसको भी वार्म अप में ही लेंगे, इसके भी 10 रैप करके मसल को रेडी करते हैं हैवी लोड के लिए। अब मेजर सेट स्टार्ट करते हैं, तो ये भाई अब फाइनल सेट, और फ्रंट बारबल विद हैमर ग्रिप से फ्रंट रेज। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो, और साथ में ही हो
3 कंट्रोल करना है, नीचे लाने से रोकना है, 5 6 7 8 9 10 और पोज मारना बहुत जरूरी है। मर गए। सो अब है सेकंड वर्कआउट, तो बिहाइंड द नेक बारबेल प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके साथ लेना है आपको अपराइट रोइंग, कोनिया ऊपर, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन, और मात्र 10 रैप। ये पहला सेट है, मिलते हैं इसके बाद वाले मेजर सेट में। और एक्सरसाइज के बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहें, EAA BCAA कुछ भी, लेकिन लिक्विड ज़रूर लें आप, पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन से बचें आप। तो अब और आप सोचोगे कि क्या ले रहा है, तो भैया मैं कुछ गलत चीज़ नहीं ले रहा हूँ, कंपनी का देखो कोई वो नहीं है, ये देखो EAA। तो एक्सरसाइज के बीच में आप भी कुछ कुछ पी सकते हैं। और इसके साथ एक और ख़तरनाक चीज़, ये सब चीज़ें मिक्स करके ना, देखो ऐसा है जो बिगिनर लेवल पे उन सब के लिए ये सब चीज़ें नहीं है, मैं एडवांस लेवल पे हूँ इसलिए मैं इतनी सारी चीज़ें ले रहा हूँ। लेकिन एक्सरसाइज के बीच में आप BCAA पी सकते हैं, कुछ नहीं मिले तो आप ग्लूकोज पी सकते हैं, ग्लूकोन डी जो आता है वो आपकी एक्सरसाइज में बहुत एनर्जी देगा आपको, और बिगिनर्स के लिए तो वही सबसे बेस्ट है। वो नहीं मिल रहा तो खाली पानी भी अगर आप लेते हैं तो दैट्स टू गुड फॉर यू। तो पानी मैंने कहा आपको पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज के बीच में। सो ये है नेक्स्ट वर्कआउट, शग्स लेने हैं आपको वाइड ग्रिप से, 1 2 स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन, और इसके भी 10 रैप लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद वाले वर्कआउट में मिलते हैं जो इसके साथ में कंबाइंड वर्कआउट करना है, क्योंकि और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये मेरा बर्थडे का स्टेरॉइड वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बर्थडे बैश, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है अपनी जिम्मेवारी पे ले, स्टेरॉइड सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे तो शराब पे भी लिखा रहता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, और स्मोकिंग पे भी लिखा रहता है, हर डिब्बी पे सिगरेट की, हर चूने पे, हर कत्था, ये सब जो हम खाते हैं, पान सुपारी जो लोग यूज़ इस्तेमाल करते हैं, गुटखा बीड़ी तम्बाकू, सब पे लिखा रहता है, लेकिन वो लोग करते हैं, हम ना भाई से हद का चस्का हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक भाई का कमेंट आया था कि स्टेरॉइड कंपनी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आप वो बताएं। तो देखिए ओरिजिनल मिलना इंडिया में मतलब धुंध में लट चलाने वाली बात है, अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो किसी भी एक ट्रस्ट ब्रांड के साथ आप जेन्युइन जो आपको सप्लायर आपके एरिया में उससे संपर्क करें और उसकी देख रेख मिले, लेकिन वो चीप एंड बेस्ट वाला सिस्टम यहाँ नहीं होता है। बढ़िया चीज़ लें, दो पैसे ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपका शरीर कोई लेबोरेटरी नहीं है, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना करें आप। सो इसके साथ ये साइड फ्रंट अगेन डाउन, ये जो वर्कआउट है ना ये आपको करना है शख्स के साथ, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, बॉडी लॉक रहेगी, एंड जस्ट एफर्ट करें जितना लास्ट आप कर सकते हैं। और मैं सच ही बताऊं आपको, कोई स्टेरॉइड कोई सप्लीमेंट आपकी बॉडी नहीं बना सकता अगर आपके अंदर करने के लिए जज्बा नहीं है। तो सबसे पहले अपने अंदर जज्बा जगाओ, घर से उठ के चलो, लेट कर स्क्रॉल करने से देखने से और कमेंट शमेंट मारने से बॉडी नहीं बनती है। उठो वर्कआउट करो, और साला देखो कान के पीछे तपसीना, और कित कित तपसीना वो बता भी नहीं सकते, लेकिन वर्कआउट करो यार, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। देखो आपको एक चीज़ दिखाऊं, मेरा हाथ देखो ये रुक नहीं रहा, ऐसा लग रहा है यूं 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 यूं, ये देखो एक्सरसाइज करके ना इतना ज़्यादा एनर्जी, सच्ची बता रहा हूँ, और ग्रिप पकड़ी नहीं जा रही, ऐसा लग रहा है छूट जाएगा हाथ से। अब पीऊँगा और अब लेते हैं श्रग्स, बेस्ट एंड इफेक्टिव फॉर रैप्स। दो
दो कंबाइंड करके वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इसलिए 10 रेपिटेशन बहुत है। और अभी हाथ से डंबल छुट गए थे करते करते, वर्कआउट है ना आपके लास्ट तक करना है आपको, खाली छू के चरम सीमा को रुकना नहीं है, बॉर्डर लाइन क्रॉस करने के लिए वर्कआउट कर रहे हो यार। जब जाके ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, जस्ट गिव योर लास्ट। और अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि करूँ, इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ, क्योंकि रैप पूरे करने हैं। जो मसल है वो फटीक पे पहुँच चुका है, हाथ कांप रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन रुकना नहीं है। एंड थर्ड वर्कआउट चल रहा है, दो दो एक्सरसाइज का ब्लेंड बना रहा हूँ। और अभी क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई ना हमारी टक्कर में, जय श्री राम। सो ये मेरा लास्ट वर्कआउट है शोल्डर का, और दो वर्कआउट कंबाइंड करता हूँ। तो पहला वर्कआउट है फेस पुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और इसके साथ जो कंबाइंड वर्कआउट है जिम में, है ना, थोड़ा हाइजीन बरते हैं यार। बहुत लोग आते हैं, देखे आप, ये स्वेटिंग के निशान है, पसीने के, दिख रहे हैं, ये देखो ये पसीना है। और अगर आप वर्कआउट करके थोड़ा सा अगर वाइप कर दें तो उससे क्या परेशानी यार। इस तरीके से ना दूसरा वर्कआउट मैं करने वाला था, लेकिन होगा नहीं इस पर, अब तो सफाई वाली सफाई करेगी, उसके बाद देखते हैं। लेकिन हमेशा जिम में दो चीज़ें ज़रूर रखें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने एंड डीओ यूज़ करें, दूसरों को परेशानी ना दें। ये टिप्स उनके लिए जो ऐसा फील दिलाते हैं। सो ये है मेरा जो फेस पुल के साथ वर्कआउट, मुझे लेना था मशीन पे लेकिन हो नहीं पाया, तो अभी ग्रिप्ड करते हैं। एंड सो वर्कआउट का करते हैं एंड। और वर्कआउट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आपने देखी गोलियों की शुरुआत में जो लेके गोलियां फिर मैंने वर्कआउट किया। सो जिम बिल्कुल खाली, वर्कआउट आपके भाई का हो चुका है, और पोजिंग देना बीच बीच में ना भूलें आप। और अब छठा दिन है मेरा स्टेरॉइड वाला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर माय बर्थडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो पे प्यार दे दीजिए, बीच बीच में पानी पीते रहें, और जो भी ले सोच समझ के ले। आपकी बॉडी कोई लेबोरेटरी नहीं है, किसी कोच पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग आपके पास है, लगाओ गूगल वूगल करो यार। हानिकारक चीज़ें जो हैं लेने की सीमा संख्या कितनी, मतलब हाफ लाइफ होती है हर स्टेरॉइड की ना, तो किसी की भी सलाह से कुछ मत लो, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ। स्टेरॉइड होते हैं प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, अगर आपको गेम करना है, आपको कोई गोल अचीव करना है तब आप ले, बेफजूल में अगर आप बॉडी को अब्यूज़ करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था आज का ज्ञान पेलू श्लोक, ख़त्म करते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।